तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब में से माइनक्राफ्ट का सबसे पीसफुल मॉब कौन सा है, तो आप सभी का आंसर होगा ये विलेजर, राइट? बट व्हाट इफ मैं आपको ये कहूं कि मैंने इसी विलेजर का यूज करके अपने एनिमीज को मार दिया? वेट, आई नो कि अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि भाई ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीजें समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना होगा। सो रिसेंटली मैंने एक हेडशील एसएमपी को ज्वाइन कर लिया था, एंड इस हेडशील एसएमपी का थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट था। सो बेसिकली कोई भी नॉर्मल हेडशील एसएमपी के अंदर आपके पास में सिर्फ एक ही लाइफ होती है, एंड अगर आप एक भी बार मर गए तो आपका हेड ड्रॉप होता है और आप एसएमपी से बैन हो जाते हो। लेकिन इस एसएमपी में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपके पास में एक लाइफ नहीं बल्कि तीन लाइफ होती है, एंड गेस व्हाट, मैं अपनी एक लाइफ ऑलरेडी गवा चुका हूँ। तो एसएमपी स्टार्टिंग में ही मैं रॉबी के हाथों मारा जाता हूँ, एंड अभी मेरा एक हेड रॉबी के पास है, एंड मेरे पास में दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन, या तो मैं रॉबी से सामने से अपना हेड मांग लूं, या ऑप्शन टू, मैं रॉबी से अपने हेड को चुरा लूं, एंड मैंने ऑप्शन टू को चूज किया। तो इस हेडशील एसएमपी के अंदर एक रूल है कि तुम किसी के भी हेड को अपने अंडर चेस्ट के अंदर नहीं रख सकते। तो रॉबी ने मेरे हेड को अपने बेस के किसी चेस्ट के अंदर ही रखा होगा। तो सबसे पहले तो मुझे रॉबी का बेस ढूंढना होगा। तो किसी भी प्लेयर के बेस को ढूंढने का सबसे इजी तरीका कौन सा है? सिंपली इनविजिबल होकर उसका पीछा करने का। ओके, तो अभी मैं काफी टाइम से रॉबी के पीछे पीछे आ रहा हूं। आई एम नॉट श्योर अभी मुझे कितना आगे रॉबी को स्पाई करना होगा। यहाँ पे स्कैल्फोल्डिंग, कहीं ये तो इसका बेस नहीं है? आई गेस मुझे रॉबी का बेस मिल गया भाई, यहाँ से नीचे चलो जल्दी। ओके, आ गया मैं इसके बेस में। ओ शिट भाई, रॉबी मेरे जस्ट सामने। अब यहाँ पर इतनी सारी चेस्ट में से मेरा हेड कौन सी चेस्ट में होगा, आई रियली डोंट नो। ओह, लेफ्ट कर दिया उसने। नाइस, यही टाइम है। जल्दी भाई, मेरे को नहीं पता कब ज्वाइन करेगा वो। फटाफट मेरे को चेस्ट चेक करनी होगी भाई। भाई गोल्डन एप्पल एक काम कर रहा हूँ, वो रख देता हूँ मैं। पर यार इसमें मेरा हेड नहीं है यार। रॉबी ज्वाइन कर लिया। शिट, नहीं, भाई वो जस्ट मेरे सामने। आई एम नॉट श्योर उसको आवाज आई कि नहीं आई। भाई कही यार ये बाहर ना आ जाए यार, प्लीज यार भाई, अगर गलती से भी ये बाहर आ गया ना मैं लिटरली फंस जाऊंगा। प्लीज बाहर मत आना भाई। ओह शिट भाई, ऐसी जगह में छुपा हूं ना मैं, क्या बताऊं। अरे भाई यार ये मेरे आसपास ही है भाई। अरे यार भाई, इसको मेरे आसपास के चेस्ट ओपन करना जरूरी है क्या? कहीं इसको शक वगैरह तो नहीं हो गया ना कि इसके बेस में कोई आया है? ये अभी उस तरफ है तो मैं शायद से यहाँ से निकल सकता हूँ बच के। ओह भाई ऑलमोस्ट पकड़ा गया था मैं भाई, इस बार थोड़ा संभाल के करना होगा मुझे। अबे यार इस बार भी फेल हो गया यार भाई। बट यार अब उसको शक तो बहुत हो चुका होगा भाई, इस बार तो भाई पक्का यहाँ से भाग जाऊंगा। ओह शिट, नहीं, तो ऑप्शन टू तो फेल हो गया बहुत बुरी तरह, जिसकी वजह से मैंने अपनी एक और एक लाइफ को गवा दिया, और अब मेरे पास में सिर्फ एक लाइफ बची है। एंड अब मुझे वही चीज करनी चाहिए जो कि मुझे बहुत ही पहले कर देना चाहिए था। तो मैं सीधा रॉबी के पास जाता हूँ और उसे बोलता हूँ मुझे मेरे हेड वापस दे दे। आपको क्या लगता है इतनी आसानी से आप मेरे से बोलोगे रॉबी भाई मुझे हेड दे दो, मैं आपको हेड दे दूंगा है? अरे ब्रो ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मैं ऑलरेडी दो बार मर चुका हूँ भाई, अब मेरे पास में सिर्फ एक लास्ट लाइफ बची है। एंड बाय चांस अगर मैं एसएमपी से बैन हो गया तो मुझे वापस से रिवाइव करने के लिए मेरे तीनों भी हेड्स को प्लेस करना होगा। सो प्लीज मुझे मेरे दो हेड्स वापस दे दे। इतनी आसानी से तो मैं आपको आपके हेड्स दूंगा नहीं भाई, प्लीज यार मान जा यार, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा, प्लीज यार। चलो मैं आपको दे सकता हूँ आपका हेड, ठीक है, बट उसके लिए आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो आपका काम ये है कि आपको सारे एसएमपी मेंबर्स के रुक, मेरे को पता है कि तू अभी आगे क्या बोलने वाला है। तू यही बोलने वाला है ना कि मेरे को सारे एसएमपी मेंबर्स के हेड्स लाकर दो, पता है मुझे, बहुत सारी वीडियोस में देख रखा हूं मैं भाई। ये यूक्लिस की वीडियो नहीं है, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं ना सिर्फ उतना करो, सारे प्लेयर्स के आर्मर लाके मेरे को देने आपको, ठीक है? तो रॉबी ने अभी मुझे एक नया टास्क दे दिया था, सारे एसएमपी मेंबर्स के आर्मर्स को चुराने का। एंड ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर किसी को भी जाके बोलूंगा कि भाई मुझे आर्मर दे दो तो वो अपना आर्मर मुझे दे देगा। एक सेकंड, इतना शौक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा टीममेट है इसलिए मेरे कहने पर अपना आर्मर मुझे दे देता है। लेकिन बाकी के एसएमपी मेंबर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और अगर मैं चाहूँ तो मैं एसएमपी मेंबर्स को मार के उनके आर्मर्स को ले सकता हूँ। बट द प्रॉब्लम इज मेरे पास में सिर्फ एक ही लाइफ बची है, एंड बाय चांस अगर उनसे पीवीपी करते टाइम पे अगर मैं मर गया तो मैं इस एसएमपी से परमानेंटली बैन हो जाऊंगा। सो अगर मैं उन्हें नहीं मारूंगा तो फिर कौन मारेगा? वेट, हेलो, व्हाट? अबे तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं विलेजर की वजह से कैसे मरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे फ्रेंड डार्क पेक गेमर और मेरे बीच में जो है 100 के सब्सक्राइबर्स की रेस लगी है, एंड वो अभी मुझसे बहुत ही ज्यादा आगे चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उससे पहले 100 के सब्सक्राइबर्स हिट करूं तो आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी वीडियो का पार्ट बने तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि आखिरकार मैं एक विलेजर की वजह से कैसे मरा। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि विलेजर्स भी हम नॉर्मल प्लेयर्स की तरह आर्मर पहन सकते हैं। किसी भी विलेजर
विलेजर को आर्मर पहनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हमें जो है वो विलेजर के सामने एक डिस्पेंसर रखना है एंड वो डिस्पेंसर के अंदर हमें जो है आर्मर को डाल देना है एंड वो डिस्पेंसर आर्मर को डिस्पेंस करेगा एंड वो विलेजर अपने आप उस आर्मर को पहन लेगा। तो अब हमने इस विलेजर को आर्मर तो पहना दिया लेकिन अभी भी ये एक नॉर्मल विलेजर ही है, और अगर हमें इस नॉर्मल से विलेजर को एकदम डेडलीस्ट विलेजर बनाना है तो हमें पहनाना होगा इसे ये वाला आर्मर। तो अगर हम किसी आर्मर के ऊपर थॉर्न्स की एंचेंटमेंट लगाएंगे एंड उस आर्मर को हम डिस्पेंसर के अंदर रख के विलेजर को पहना देंगे तो जब हम उस विलेजर को मारेंगे हमें डैमेज पड़ेगा एंड थोड़ी देर के बाद में आप मर जाओगे। तो यहाँ पर मैंने जो है एक छोटा सा कंट्रेप्शन बनाया हूँ जिसके वजह से जो है हम प्लेयर्स को मार सकते हैं एंड आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वो टारगेट ब्लॉक के ऊपर आपको जो काफी सारी एरोज मारना है एंड इसके बाद में आपको जो है ये नीचे की सैंड को तोड़ देना है जिसके वजह से जो ऊपर की सैंड है वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगी एंड आपको तुरंत से जो है वो टारगेट ब्लॉक को भी तोड़ देना है एंड जैसे ही ये एरोज जो है वो विलेजर को लगना स्टार्ट होगी वैसे ही हमें भी डैमेज पड़ना स्टार्ट हो जाएगा एंड एक टाइम के बाद हम जो है थॉर्न्स की वजह से मर जाएंगे एंड यही सेम कंट्रेप्शन मुझे उस एसएमपी में भी बनाना होगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर जो है एक फेक गेम शो बनाया है जहाँ पर मैं जो है एसएमपी मेंबर्स को बुला के उन्हें मारने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने जो है यहाँ पर एक गेम शो बनाया हूँ एंड आप में से जो भी बंदा इस गेम शो को जीतेगा उसे प्राइज में 10 नॉचेस मिलेंगे। सो इस गेम शो में ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस मैंने आप लोगों के लिए जो है 3 लेवल्स बनाई है एंड आपको जो है बारी बारी उन लेवल्स को पार करना है एंड तीसरे लेवल के खत्म होते ही आपको जो है सामने ढेर सारी चेस्ट दिखेगी एंड उन्हीं चेस्ट में से किसी एक चेस्ट के अंदर जो है 10 नॉचेस रखे हुए एंड जो भी बंदा उन 10 नॉचेस को पहले ढूंढ लेगा वो जीत जाएगा। तो लेवल 1 जो है वो काफी ज्यादा इजी है, आपको जो है चेस्ट के अंदर बो एंड एरो मिले होंगे तो आप वो ले लीजिए एंड नीचे जो आपको टारगेट ब्लॉक दिख रहे आपको जो है वहां पर एरोज मार दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी करो गाइस, जल्दी करो। ब्रो, तो यहाँ पर सारे एसएमपी मेंबर्स मर चुके थे एंड मैंने उनके आर्मर्स को कलेक्ट कर दिया था और अब बारी है रॉबी को इस एसएमपी से बैन करने की। लेकिन मैं रॉबी को बैन कैसे करूंगा? तो देखो, रॉबी को बैन करने के लिए सबसे पहले तो मुझे रॉबी को ट्रैप करना होगा। तो बेसिकली माइनक्राफ्ट में एक ग्लिच एग्जिस्ट करता है जिसके वजह से अगर आप रिस्पॉन एंकर पे अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट करोगे एंड जिस जगह पर आप स्पॉन होने वाले हो उसके सामने अगर आप एक बोर्ड को प्लेस कर दोगे और अगर आप मर जाओगे तो आप जब रिस्पॉन होंगे तो आप डायरेक्टली नेदर रूफ पे स्पॉन होंगे। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई मैं रिस्पॉन एंकर पे रॉबी का रिस्पॉन पॉइंट कैसे सेट कराऊं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई यार रॉबी इतना पागल तो है नहीं कि भाई यार वो एक रिस्पॉन एंकर पे क्लिक कर देगा। लेकिन एक सेकंड, वो रिस्पॉन एंकर पे क्लिक नहीं करेगा लेकिन एक नोड ब्लॉक पे तो जरूर क्लिक करेगा ना। तो आप में से काफी सारे लोगों को ये चीज पता होगी कि हम माइनक्राफ्ट के ब्लॉक्स के टेक्सचर जो है उसे चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्सचर पैक। तो मैंने एक टेक्सचर पैक बनवाया था जिसके अंदर जो रिस्पॉन एंकर है वो टोटली नोड ब्लॉक की तरह दिखता है। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई लेकिन दूसरी प्रॉब्लम है ये, तो जब भी हम अपने रिस्पॉन पॉइंट को सेट करते हैं तो चैट में लिख कर आता है रिस्पॉन पॉइंट सेट। तो बाय चांस अगर रॉबी ने रिस्पॉन एंकर को नोड ब्लॉक समझ के अगर उस पे क्लिक भी कर दिया तो चैट में तो लिखकर आ जाएगा ना रिस्पॉन पॉइंट सेट। तो यहाँ पर रॉबी समझ जाएगा कि ये एक ट्रैप है। तो आखिर इस चीज को मैं कैसे फिक्स कर सकता हूँ? तो इसे भी मैं टेक्सचर पैक के थ्रू ही फिक्स कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक रिस्पॉन एंकर है एंड जैसे ही मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर रिस्पॉन पॉइंट सेट की जगह लिखकर आया है लाइक दिस वीडियो। सो यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो गई लेकिन तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं भाई रॉबी को ये टेक्सचर पैक दूंगा कैसे? अब देखो रॉबी इतना भी बेवकूफ नहीं है कि मैं उसे कोई टेक्सचर पैक जो है यूज करने के लिए बोलूंगा और वो जो है उस टेक्सचर पैक को यूज भी कर लेगा। तो इस चीज को मैं कैसे फिक्स करूंगा? तो आपने एक चीज को तो नोटिस करा ही होगा कि ज्यादातर एसएमपीज के अंदर जो है हमें एक कस्टम टेक्सचर पैक डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है एंड जितना मैं रॉबी को जानता हूँ वो हर बार जो है वो टेक्सचर पैक को डाउनलोड करता है। तो मैं एसएमपी के ओनर से बात करके जो एसएमपी का कस्टम टेक्सचर पैक है उसे जो है अपने टेक्सचर पैक के साथ में एक्सचेंज कर देता हूँ और अब रॉबी को जो है रिस्पॉन एंकर की जगह नोड ब्लॉक ही दिखेगा। सो यार अभी सारा प्लान सेट है, अब फटाफट से रॉबी को बुलाते हैं और उसे बैन करते हैं। देख जैसे कि तूने बोला था मैंने सारे एसएमपी मेंबर्स के आर्मर्स को कलेक्ट कर दिया हूं। भाई साहब इतने आर्मर, अरे यहां पे भी आर्मर। अरे भाई, अरे यार यहाँ पर नहीं है भाई, वो मैंने नेदर में एक सेफ जगह पर रखा हो सारे आर्मर्स को। हाँ भाई कुछ नहीं ब्रो, बस नेदर में जाऊंगा स्पॉटू भाई मार देंगे और कूल बन जाएंगे स्पॉटू भाई, है ना भाई? पागल है यार, कोई ट्रैप वैप नहीं है यार, इतना तो भरोसा कर सकता है मुझ पे। चल आ जा नेदर में, चलते चल। आप जाओ ना भाई, मैं क्यों जाऊँ भाई, मैं क्यों जाऊँ? अरे भाई यार अबे कितना शक कर रहा है यार। अच्छा ठीक है चल मैं चलता। और भाई ये पहले मुझे ये बताओ ये बंदा इतना स्पैम क्यों कर रहा है, गिव मी डायमंड्स मैं इसकी। अरे भाई इसके डायमंड्स चुरा लिया क्या किसी ने? पता नहीं भाई रो रहा है भाई। अरे भाई
ये बहुत स्पैम कर रहा है यार, रुक जा मैं इसको बोलता हूँ। भाई स्पैम मत कर, मैं भी बोल रहा हूँ इसे, मैं भी बोल रहा हूँ। ओके और भी ज्यादा स्पैम कर रहा है ये, पता नहीं भाई ये क्या है यार। देख रॉबी अगर तेरे को कोई दिक्कत हो रही है तो तू चैट डिसेबल कर दे इजी। नहीं वो नहीं करूंगा, बट भाई ऐसा क्यों भाई, ये रूल्स के खिलाफ है यार ऐसे फालतू में स्पैम करना। अच्छा वैसे ये छोड़ो, यहाँ पे भी आके मेरे को आर्मर नहीं दिख रहे भाई। अरे भाई है आर्मर है, ये जो दीवार है उसके पीछे जो है मैंने सारे आर्मर्स रखा हूँ। अरे रुक रुक रुक, मैंने जो है ना एक मस्त सा रेडस्टोन डोर बनाया हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे नोट ब्लॉक दिख रहा है मेरे को, तो नोट ब्लॉक दिख रहा है। हाँ नोट ब्लॉक है ना। हाँ तो जैसे ही तू ये नोट ब्लॉक पे क्लिक करेगा ना, ये दरवाजा अपने आप ओपन हो जाएगा। अच्छा तो क्या करूँ मैं, इस पर राइट क्लिक करूँ? हाँ क्लिक कर, क्लिक कर। कर दिया है ने? डोर ओपन नहीं हुआ। एक काम करता हूँ यार, मैं तेरे को डायरेक्ट दिखा देता हूँ यार, चला जा। अरे भाई आर्मर तो है, अभी जाओ और जाके ये सारे आर्मर्स को कलेक्ट कर ले रहा हूँ अभी। थैंक यू वेरी मच यार, मैं आपको आपका ना वो हेड देना था ना, मेरे को बेस से लाना पड़ेगा। अरे यार मेरा हेड साथ में लेके आना चाहिए था ना, क्या पता वो तू हेड मुझे वापस ना दे पाए। क्या मतलब? ये मतलब व्हाट, सॉरी रॉबी। व्हाट ये कहाँ पे हूँ मैं? अरे अरे तू अभी वहाँ पर चिल कर, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ तेरे पास में। व्हाट द हेक भाई, इधर में कैसे टीपी हुआ, कैसे कब क्यों, ये सब का जवाब मैं तेरे को दूंगा, बस एक बार मुझे तेरे पास आने दे। व्हाट भाई आर यू सीरियस राइट नाउ? ओह शिट। हेलो रॉबी। माय गॉड ये सब आपका प्लान था राइट? कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? देखो मेरे को स्पॉटिफाई मेरे को मार के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? मुझे मार के भी तुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन तूने मुझे मारा। नो, जस्ट टेल मी वन थिंग कि ये पॉसिबल कैसे, आपने मेरे को यार ट्रैप कैसे किया? अरे रॉबी तू इतने जल्दी भूल गया, तुझे तो पता ही है ना आई एम द मोस्ट इलीगल प्लेयर, और अगर मैं हूँ तो हर चीज पॉसिबल है, लेकिन एक चीज पॉसिबल नहीं है, तेरा इस एसएमपी में होना। नो प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, नो। क्या यार रॉबी, बोला था ना तेरे को साथ में हेड लेके आना चाहिए था। प्लीज डोंट, मैं अपनी लास्ट लाइफ हूँ, प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज स्पॉट बाय नहीं। आई गेस नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय रॉबी। प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, नहीं।